तो हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है सबसे ज़्यादा ही अलग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माह रमज़ान इस्लामी महीना स्टार्ट हो गया है, और रमज़ान शरीफ के स्टार्ट होते ही मस्जिद में लोगों का रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से आज हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो लोगों के लिए, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो इसीलिए आज हमने सोचा है कि आज हम करेंगे मस्जिद की सफाई, ताकि आने वाले तमाम नमाजी हजरात को कोई तंगी ना हो सके और वो अपनी इबादत को अच्छे तरीके से कर सके। तो उससे पहले और उसके लिए मैं बुलाऊंगा मियां साहब को घर से, ताकि वो भी आएँ और इस नए काम में अपना हिस्सा भी ला सकें। तो फिर उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस चेंज करूंगा। तो व्यूअर्स, फाइनली मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। अब मैं चलता हूँ मियां को घर से बुलाने के लिए, ताकि वो आए और मेरे साथ मस्जिद की सफाई करवाए। तो अब हम घर से निकल चुके हैं, अब हम जाते हैं मियां साहब को बुलाने के लिए। शहबाज, आओ। फाइनली शहबाज भाई घर से निकल आए हैं। आओ जनाब, क्या हाल है? ठीक, आप सुनाओ? ठीक, मैं ठीक। तू सुना, खैर क्या कर रहा था? कुछ भी नहीं, बस तेरा इंतजार कर रहा था। मैसेज देखे मैंने तेरे। हाँ, मैंने तो ये मैसेज तो किया था, मैं समझा शायद तू ऑफलाइन होगा, मैं तो फिर ऑफलाइन हो गया था। सही, चले जनाब, फिर मस्जिद की सफाई करनी है। कपड़े शपड़े चेंज कराए हो आप? हाँ जी जनाब, मैंने कर लिए हैं। चलो फिर करो जल्दी से। मैं जरा कपड़े चेंज करके आया। हाँ चलो करके आओ। कम से कम ना मैं इसे 2:30 बजे आया था, 2:37 हो गए, ये तक घर से निकला है। 7 मिनट बड़ी अहमियत रखते हैं यार, 7 मिनट में हम पता नहीं क्या कुछ कर लेते हैं, ये नहीं निकलते घर से। तो कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं अब ये जब आता है फिर चलते हैं इसके साथ। अब हम इसे कुछ कह भी नहीं सकते, तो फिर अब दोबारा दरवाजा बजाते हैं इसके घर का कि भाई आ और चल। शहबाज, ओ वाह जनाब, आप तो ऐसे ड्रेसिंग करके आए हो जैसे आप शूट पे जा रहे हो। ना ना यार, मैं तो पैंट शर्ट उतार के आया हूँ, रफ कपड़े हैं, मैं तो ब्लू। तो अब फाइनली हम मस्जिद के पास पहुंच गए हैं, कारी साहब भी दरवाजे में खड़े हैं, देखते हैं कारी साहब क्या कहते हैं। हम फोन या सफाई करते हैं, वीडियो बना ज्यादा कर ले तो उसके बाद हम सफाई करते हैं। तो जैसे कि सारा मैट कारपेट निकालेंगे, अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। फुल तो अभी ये सारा सामान निकाल दिया है, तो देखते हैं। ओ ये आज नहीं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सदिया भाई, अल्लाह पाक ने भी तौफीक दिया है आज मस्जिद आने की, तो ये आ गया आज मस्जिद में। भाई हमारे साथ सफाई करवाएंगे, खड़े होके जी। भाई क्या हाल है? तो नहीं भाई, ने कालीन निकाल लिया दोनों, और अभी ये भाई रखेंगे एक जगह पे, इकट्ठा करके रखना। नहीं भाई ठीक है, शाबाश माशाल्लाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये। Ooh.
तो गाइस ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बशीर भाई और नईम उठा लिया है, बशीर भाई और नईम भाई ने ये अब इसको जरा तो फाइनली ये सारा सामान अंदर का बाहर निकाल के रख दिया हमने और अभी अंदर दिखाते हैं। और बहुत ज्यादा डस्ट हुई पड़ी है, ये कुछ देर तक डस्ट खत्म होती है तो फिर सफाई करना स्टार्ट करेंगे। क्या नहीं भाई, क्या कहते हैं, इंग्लिश बोल के दिखाएं थोड़ी अपनी। नहीं, ये क्या बात है आपकी, जैसे बोनस की बात है वैसे ही आपकी बात है। शहबाज साहब क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ निकाल लो जल्दी से, ये ब्रश भी आ गया, झाड़ू भी आ गया, पाइप भी निकाल लो ना, धो ना। नहीं भाई नहीं, इतना गुस्से में नहीं आना, इतना गुस्से में नहीं आना। तो फाइनली जैसे शहबाज भाई और ये नहीं भाई सफाई में मसरूफ है, मुझे मेरा काम है कि अभी घर जाना है मैंने, उधर से मैंने अपने घर से एक सरफ का पैकेट लाना है और उधर से मैंने अपने घर से लाना है बाल्टी, ताकि हम यहाँ पे सरफ वाला पानी से साफ कर सकें और साथ में मशीन लाना है। तो यार फाइनली मैंने अपने घर से सरफ बुरिश हो गया, फिर ऊपर लगा हुआ पाइप मैंने ले लिया मेरी सफाई के लिए। तो हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये कचरा बाहर निकला है, ये वाला कचरा सारा बाहर निकला हुआ है और मुंशी साहब ये थे पाइप वगैरह और वो लेने वो भी लेके आ गए, जैसे कि आप देख रहे हैं मुंशी भाई सरफ वगैरह और ये लेके आ गया, ये ले आए, ये सरफ आपके अंदर लेके आया ज्यादा नहीं गया मुंशी सरफ नहीं भाई, और मैंने आराम से सारा कचरा बाहर निकाल दिया। देखें आपको कमरे की लुक से पता चल रहा होगा कि थोड़ी बहुत सफाई हुई है, अब इसको मतलब धोने लगे हैं कमरे को, कमरे को अब अच्छी तरीके से धोएंगे वीआईपी करके तो कमरा लश पश मारेगा चमकेगा, और उसके बाद हम ये पाइप लगाने लगे नहीं भाई पर। देखें नहीं भाई प्रेशर हल्का ही कोना वीआईपी करके चला दो, खोल दिया पानी वहाँ पे पहुंचने वाला है, मुझे साहब आराम से चढ़ा के स्लिप वगैरह हो जाए, ये पाइप देख लो कितने सालों से बंद पड़ा था, पाइप से क्या निकल रहा है। ये अब हम करने लगे हैं शुरू वीआईपी तरीके से सफाई, तो अब कैमरामैन तो हमारे पास यानी मोबाइल भी कहीं रख नहीं सकते हैं, तो अब हम आपको ये कमरा फुल धो वगैरह करके सफाई वगैरह अच्छे तरीके से करके तो आपको दिखाते हैं कमरे के। तो ये बच्चा भी मस्जिद की सफाई करवाने के लिए आ गया, बेटा मारो वेपर। तो हेलो गाइस वेलकम बैक, जैसा कि आपको पता है हम मस्जिद की सफाई में लगे हुए थे, तो मस्जिद की सफाई को थोड़ी लेट हो गई थी, तो इस वजह से हम नमाज का टाइम हो गया था सर की, तो इस वजह से हमने नमाज वगैरह पढ़ी है कपड़े वगैरह चेंज करके, और मतलब कि सफाई नीचे की तो होगी थी, ऊपर हमने ये बिछा दिया, चेक करें ये बिछा दिया, और मुबशिर भाई वैक्यूम क्लीनर लेने गए हुए हैं, अब वो ले आते हैं तो इसके ऊपर वो मार देंगे वैक्यूम क्लीनर अच्छे से करके, तो सफाई हमारी कम्प्लीट हो जाएगी। और ये आ गया मुबशिर भाई, आ गए ले आए हो, ये क्या ले आए वैक्यूम क्लीनर, ये क्या तो ये रख गए थे आप, सही ठीक हो गए बनाने में। तो गाइस ये सफाई हो गई है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, और यहाँ पे शहबाज भाई बैठे हैं थक थक आके, क्यों क्या हो गया, रोजा लग रहा है क्या, रोजा भी ऊपर से सफाई वगैरह भी की अच्छी नहीं। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है मस्जिद की सफाई वगैरह कर रहे थे, तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है सफाई, जैसा कि आप देख सकते हैं दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे पहले सामान पड़ा, बताओ बशीर यहां पे पहले सामान पड़ा था सारा, ये कोई दिखाऊंगा बिल्कुल सारा एरिया क्लियर हो गया, अंदर ले जाओ दिखाओ इन भाइयों को, ये चेक करें जरा यहाँ पे वीआईपी क्लीनिंग कर दिया, और ये यहाँ पे सामान वगैरह पड़ा था यहाँ पे वो भी हटा दिया सारा, अंदर शिफ्ट कर दिया, अंदर की भी अच्छी सफाई कर दिया। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है सफाई कंप्लीट हो गई है, तो हमारे अगला भी लोग जल्दी आएगा, तो ये वीडियो जरा अच्छे तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें,
और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट में बताना ज़रूर कि ताकि हम आगे से बेहतर वीडियो बनाया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।